दतिया के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर समय है, एक संकट की घड़ी है। पूरे विश्व में लगभग 3 लाख से अधिक लोग अब तक कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। इटली और अमेरिका जैसे विकसित देश इससे अभी जूझ रहे हैं। वहाँ पर स्थिति यह हो गई है कि अब उनके पास और अधिक मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है, डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, किट कम पड़ रहे हैं, दवाइयाँ कम पड़ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दतिया शहर में भी लॉकडाउन किया गया है, लेकिन ये अत्यंत ही खेद का विषय है कि बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो छूट दी गई है वो केवल आवश्यक सेवाओं के लिए दी गई है। आप सभी से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि अपना आवश्यक सामान जैसे कि किराने का सामान, राशन का सामान, सब्जियां, दूध इत्यादि लेके तत्काल अपने घरों में आप लोग लौट जाएं। प्रायः देखने में आ रहा है कि लोग अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी सख्ती की गई है वो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए की गई है। हम लोग सड़कों पर खड़े हैं, हमारे जवान खड़े हैं, खतरा उठा रहे हैं अपने स्वास्थ्य का ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। आपसे हमारी इतनी सी उम्मीद है, इतनी सी अपील है कि आप लोग अपने घरों में रहिए, बाहर अनावश्यक मत निकलिए। जितना समय आप घर पर बिताएंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि आप लोग इसे गंभीरता से लें और हमारा सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें विवश होकर के सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद।